के कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्म भूषण आदरणीय श्री गोपाल दास नीरज जी, आज के संचालक श्री बालकवि बैरागी जी, श्री उदय प्रताप जी, बाल स्वरूप राही जी और मंच पर विद्यमान सभी मेरे क्रम साथी और इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के प्रति स्नेह और आदर रखने वाले सारे मेरे बहुत 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 अंतरंग श्रोता, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कविगण अकाराधिक्रम में नहीं बैठे थे, वरना मैं जानता हूँ किरण जी उसी तरह से उनको सम्मानित करते हुए रहते हैं। ढूंढने में देर लगती थी कौन कभी कहाँ बैठा है, इसीलिए मैं कवियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय बचाने में सहयोग किया और वे स्वयं वहाँ आ गए। तो इस सहयोग भावना के पहले तो आप कवियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्योंकि कवि बड़ा स्वाभिमानी जीव होता है, वो उस प्रजाति का है, दुर्लभ प्रजाति का, जो हमारे देश में बहुतायत में पाई जाती है। उनमें से भी चुनिंदा ये जो 32 नमूने श्रेष्ठतम यहाँ आए, यह राष्ट्रीय कवि सम्मेलन इसकी उम्र मेरी उम्र के बराबर है। मैं 1951 में पैदा हुआ था और गणतंत्र दिवस की खुशी में पहली बार योशी वर्ष हुआ। आज के हमारे अध्यक्ष श्री गोपाल दास नीरज पहले कवि सम्मेलन में भी थे और आज भी हैं। उनकी उपस्थिति हमें रोमांचित करती है, उनकी उपस्थिति कविता के प्रति आश्वस्त करती है और परिचयदास जी ने कविता के पक्ष में जो भी वक्तव्य दिया उसको संतुष्ट करती है। कविता हमको और कुछ बनाए न बनाए इंसान जरूर बनाती है। ये बरस शुरू हुआ है अभी अभी, आज मकर संक्रांति है, कहीं इसे पोंगल के रूप में मनाया जा रहा है, कहीं इसे बिहू कहा जा रहा है। ये पर्व प्रकृति के परिवर्तन को हमारे सामने लाता है। ये वो दिन है जिस दिन से रात छोटी होती है दिन बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ मेरे देश में रातें छोटी हों दिन बड़े हों, ज्यादा ज्यादा हर बार उस नए साल से उम्मीदें लगाता हूँ अच्छा होगा। साल बीतते बीतते कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजों के प्रति हम दुख मनाते हैं और कुछ पर सुख मनाते हैं। पुलिस बहुत सक्रिय रही इस वर्ष, उसको कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़े जो नहीं करने चाहिए, लेकिन हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं कि वे देश के पहलुए हैं। दोस्तों, मैं इस नए साल से उम्मीद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये नया साल 2012 क्या करेगा क्या नहीं करेगा नहीं मालूम, अगर कर सके तो इतना कर दे कि ये जो खाइयां सी खुद गई हैं ना दिनों में नफरत और पराई बन की, इन्हें भर दे और दे सके तो शासकों में इसके लिए फिक्र दे और फिक्र भी जम कर दे, भ्रष्टाचारियों को डर दे और डर भी भयंकर दे, संप्रदायवादियों को टक्कर दे और टक्कर भी खुल कर दे, बेघर वालों को घर दे और घरों में जगर मगर दे, जरूरतमंदों को जर दे और जर भी जरूरत भर दे, कलाकारों को पर दे पर भी सुंदर दे, उनमें चेतना ऐसी प्रखर दे कि खिड़कियां खुल जाए हट जाए पढ़ दे, प्रश्नों को उत्तर उत्तरों को बदल दे,
हाँ निकाह और भी मोटे मोटे उतार दे नेताओं को और भी मोटे मोटे उधर दे और उधर ढकने के लिए और भी महीन खट्टर विचार को बढ़ा गुस्सा कम कर मीडिया को किया लेकिन सच्ची खबर दे अभिनय को शम्मी कपूर और देवानंद का हुनर चित्रकारी को हुसैन की कलर दे संगीत को भीमसेन जोशी और जगजीत का स्वर साहित्य की दुनिया में भारत भूषण और पद्म गौण जी की स्मृतियां अजर अमर खैर 2012 ये सब देखे पर इतना तो जरूर कर दे ये जो खाइयां से खुलती हैं ना दिलों में नफरत और एक SMS आया एक नटखट विद्यार्थी ने अध्यापक श्रीमान जी को SMS भेजा बोला सर फ्राई हो गया मेरा भेजा समंदर जितना सिलेबस नदी जितना पढ़ पाते हैं बाल्टी जितना याद होता है गिलास भर लिख पाते हैं कुल्लू हम नंबर आते हैं उसी में डूब के मर जाते हैं तो अध्यापक श्रीमान जी ने वापस SMS लिखा मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूबता नहीं देखा चुल्लू में डूबने के मुहावरे का मजाक बनाते हो गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रिली आते हो मना करने पर बाल्टी भर अपमान को पी जाते हो नदी भर बेशर्मी दिखाते हो और बाहर निकलते ही समंदर भर धागे लगाते हो श्रीमान जी ने संदेश कर दिया सेंड फिर अध्यापक साथी से बोले फ्रेंड ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है लेकिन विवाद विषाद उसका होता है जो अवसाद में प्राण बनाता है माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद बच्चा हो जाता है घर में शहीद मैं सन 2012 से ये अनुरोध करता हूँ कि नंबरों के तनाव में कोई बच्चा ऐसा ना करे ऐसा तो हरगिज 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 ना हो आपका समर्थन हो तो तालियों से कहो एक और पिछली बार दुर्घटना हुई अभी दिसंबर के महीने में कलकत्ता के अस्पताल में आग लगी ऐसी चिंगारियां रही होंगी इस समय जिन पर ध्यान नहीं दिया गया होगा कहां लग रही है उसमें हम सदैव नमन करते हैं अपने शहीदों को अच्छा रहा कोई युद्ध नहीं हुआ अच्छा हो कि इस अगले इस वर्ष में और आगामी वर्षों में भी युद्ध न हो हमारा पड़ोसी भी सुकून से रहे वहां खून खोल रहा था लेकिन दो नर्स थी दोस्तों आपने उनके बारे में पढ़ा होगा रम्या और मीठा उन्होंने 8 लोगों की जान बचाई दोनों ने मिलकर 24 बरस की जो करनी है उनकी शहादत को प्रणाम किया जाना चाहिए कि उन्होंने किन स्थितियों में धुएं में आग में घुटन में तो मैं उनको प्रणाम के साथ आगे की गतिविधि बढ़ाऊंगा लेकिन हम उन्हें प्रणाम करने ऐसा मैं चाहता हूं दिव्य दिवंगत नर्स रम्या और विनीता वहां हर कोई तुम्हारा ऋणी था ऋणी है और ऋणी रहेगा इंसानियत का हर जर्रा यही कहेगा कि दृश्य जान जहां था हाहाकारी युवा चेतना महानहारी 24 की थी दोनों नरसे पीड़ा पर करुणा बनवर से आग धुएं की आपदा भी इन्हें न कोई चिंता व्यापी कुटिल काल पीड़ा कराल थी हिम्मत इनकी बेमिसाल थी
तड़प रहे थे बेबस रोगी, निश्चित ही था दुर्गति होगी। दम घुटू था धुआं भयानक, तन को झुलसा था थकावट, मृत्यु अचानक खुलकर नाची। यम ने अपनी पोथी बाजी, गूंज रही थी कलप कराई, सांसों की जो भिक्षा चाहिए। जीवन बनी विनीता रम्या, धुए धांस में सांस सुरम्या, जिनको थे जीवन के लाले, एक एक कर आठ निकाले। जिनको थे जीवन के लाले, एक एक कर आठ निकाले। ये दोनों कोमल कन्याएं उठा उठा कर बाहर लाए, बाहर से जाएं अंदर, हिम्मत का बने समंदर। नवा मरीज अपाहिज भारी, आग हो गई प्रलयकारी, चारों ओर धुआं धुआं जहरीला, खत्म कर गया इनकी लीला। पर हित अपने प्राण गवाए, सबने अपने शीश झुकाए, जिन्होंने आहुति दी निष्काम, रम्या और विनीता, तुम दोनों को प्रणाम।